إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال جل شأنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا قيرة ولا هامة ولا سفر محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اس وقت ہم اور آپ جن ایام اور جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ایام اللہ رب العزت کے اس قول کے مطابق ہے ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس فساد سمندر میں بھی ظاہر ہو چکا ہے اور خشکی میں بھی ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جدھر نظر اٹھاؤ ادھر فساد اور اللہ رب العزت کا عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے کہیں قتل کی شکل میں تو کہیں بیماریوں کی شکل میں تو کہیں فساد کی شکل میں تو کہیں اور کسی شکل میں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے میرے بھائیوں چونکہ ہمارا جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں زیادہ ان بھائیوں کی تعداد ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اسی لیے ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو مسئولیت ہوتی ہے
और एक मुसलमान का जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए वो अपने ईमान की हिफाजत होनी चाहिए, अपने दीन की हिफाजत होनी चाहिए, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत और नामूस की हिफाजत, ये सब मतलूब है मेरे भाइयों, मगर दीन की हिफाजत सबसे अहम और सब पर मुकद्दम है। आज कोरोना वायरस की शक्ल में जो बीमारी फैल रही है और इस बीमारी के फैलने के साथ साथ जो लोगों में बातें हो रही है और जो सोशल मीडिया और अखबारात और गैर इस्लामी जो है क्या नाम है मिजाज और सोच रखने वाले लोगों की तरफ से जो बातें आ रही है मेरे भाइयों, वो बहुत खतरनाक बातें हैं। उनमें बहुत सारी बातें शरीयत इस्लामिया के उसूल और नुसूस से टकराती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारी को देने वाला है, यह हम और आप सभी जानते हैं मेरे भाइयों, और इस ताल्लुक से आपके सामने खुतबा भी हो चुका है कि बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, बीमारी देने वाला भी कोई नहीं। दुनिया में कोई किसी को बीमारी नहीं दे सकता है, कोई जरासीम, कोई जुर्सुमा, कोई जो है क्या नाम है मच्छर, कोई किसी को बीमारी नहीं दे सकता। बीमारी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है और बीमारी को खत्म करने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा हमें किसी ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना चाहिए और ऐसे मौके पर हमें बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है एकदम उलझन का शिकार नहीं हो जाना चाहिए मेरे भाई। हम और आप जिस अकीदे के मानने वाले हैं, ये अकीदा हमें संजीदगी सिखाता है, ये अकीदा हमें इत्मीनान देता है, सुकून देता है, इससे हमें सुकून और राहत मैसर होती है मेरे भाइयों। तो अल्लाह के बंदो, बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। सबसे बड़ा फितना इस वक्त जो फैल रहा है हमारे मुल्क में और वह हमारे मुसलमान भाइयों में सरायत करता जा रहा है कि अब यह बीमारी हमारे मुल्क में आ गई है, अब ये बीमारी किसी को छोड़ेगी नहीं, ना मालूम किसको किसको लग जाए, चूंकि हमारे मुल्क में आ गई, यानी ये बीमारी मुतअद्दी होगी और लोगों को लगती है मेरे भाइयों। मैं इसी अकीदे की नफी करना चाहता हूं अल्लाह के बंदो, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की नफी फरमाई है कि कोई बीमारी किसी को अपने तौर से नहीं लगती है जब तक अल्लाह तबारक तआला का हुक्म ना। अगर आपकी तकदीर में बीमारी नहीं लिखी हुई है मेरे भाइयों, आप उस बीमारी वाले शख्स के साथ 24 घंटा रहो मेरे भाइयों, उसके साथ खाओ और पियो अल्लाह के बंदो, आपको बीमारी नहीं लग सकती है मेरे भाइयों। और अगर आपकी तकदीर में बीमारी लिखी हुई है मेरे भाइयों, मुकद्दर है, आप पहाड़ों की चोटियों में चले जाओ, आप पानी के तह में घुस जाओ, आप दुनिया के किसी गोशे में चले जाओ, वो बीमारी आपको लग करके रहेगी, आप उससे बचने वाले नहीं। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जमाने जाहिलियत के इसी अकीदे का इंतकाल करते हुए और जमाने जाहिलियत के इसी अकीदे की तरदीद करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला कियारता वला हामता वला सफरा। ये अदवा का अकीदा सही नहीं है, ये अपने आप मुतअद्दी होने का अकीदा सही नहीं है। जमाने जाहिलियत के लोग यह अकीदा रखते थे कि बीमारी अपने तौर से किसी की तरफ मुंतकिल हो जाती है, बीमारी एक से दूसरे की तरफ तबई तौर से और अपने तौर से जो है कर पहुंच जाती है, इसमें अल्लाह तबारक तआला की तकदीर का, अल्लाह तबारक तआला की मर्जी का, अल्लाह तबारक तआला की मशीयत का कोई दखल नहीं होता है। अगर हम बीमार आदमी के साथ रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और अगर उससे दूर रहेंगे तो हम बीमारी से बचेंगे मेरे भाइयों। इसी अकीदे की तरदीद करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमारी अपने तौर से मुतअद्दी नहीं होती है मेरे भाई। ये जो हमारे अहबाब हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो बड़े बड़े जो है तजिया निगरान हैं, अक्सरियत की तादाद गैर मुस्लिमों की है और जो मुस्लिम भी है उनको दीन के बुनियादी उसूलों का पता नहीं मेरे भाइयों। इसलिए वो मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला रहमान नाम रख करके भी ऐसी बातें लिखते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो इस्लामी उसूलों से मेल नहीं खाती है,
लिहाजा इसको पहले हमें अपने ध्यान में और अपने दिमाग में ताजा करना पड़ेगा कि कोई बीमारी अपने तौर से किसी को लग नहीं सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दर किया होगा तो बीमारी लगेगी। यही जब हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई तो एक सहाबी को ताज्जुब हुआ और कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप कैसे कह रहे हैं कि बीमारी किसी दूसरे को नहीं लगती है, कैसे आप कह रहे हैं कि छूतछात की बीमारी नहीं है, बीमारी मुतादी नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? हम तो देखते हैं कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त जो है ऊंट होता है, और जब उस सेहतमंद तंदुरुस्त ऊंट को हम खारिश जदा खारिश की बीमारी में मुबतला ऊंट के बीच में कर देते हैं और उसके साथ रख देते हैं तो हम देखते हैं कि वो खारिश की बीमारी इसको भी मुंतकिल हो जाती है, इसको भी हो जाती है। यानी उस सहाबी ने, उस आदमी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने की शिकायत पेश किया कि नबी अलैहिस्सलाम इसको और वाजह कीजिए कि हम देख रहे हैं कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त ऊंट है और जब खारिश जदा ऊंट के पास, खारिश की बीमारी मुबतला ऊंट के पास उस सेहतमंद तंदुरुस्त अच्छे ऊंट को रख देते हैं वो खारिश की बीमारी मुबतला हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब उस आदमी को दिया है, कयामत तक के लिए इबरत है मेरे भाइयों। और इतनी जबरदस्त दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दी है कि यहीं पर इस अकीदे का एकदम खात्मा हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि उस खारिश शुदा ऊंट की वजह से इस ऊंट को खारिश की बीमारी लग गई तो मेरा सवाल यह है कि पहले जो खारिश की बीमारी जिस ऊंट को लगी है उसको बीमारी किस ऊंट से लगी, वो बीमारी कहां से आई? कोरोना वायरस वुहान जो चीन का जो शहर है वहां से शुरू हुआ, और जाहिर सी बात है पहला से कोई रहा होगा जिसको कोरोना वायरस की बीमारी हुई। सवाल यह होता है कि अगर दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवे को जो है ये पहले की वजह से बीमारी लग गई तो पहले को बीमारी कहां से लगी और कहां से आई, वो जरासीम कहां से आए, वो बीमारी के जो है क्या नाम है, जो है क्या नाम चीजें कहां से आई? जाहिर सी बात है अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने वो बीमारी नाजिल फरमाई है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन अल्लाह लम यंजिल दान इल्ला अंजल लहु दवा, बीमारी नाजिल करता है रब्बुल आलमीन, बीमारी को अल्लाह ताला उतारता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस बीमारी को उतारा है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस भाई को यही समझाया, उस सहाबी को यही समझाया कि अगर इस ऊंट की वजह से उस ऊंट को बीमारी लगी है तो बताओ पहले ऊंट को बीमारी किस ऊंट की वजह से लगी है, ये बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है मेरे भाई। लिहाजा इस अकीदे का बिल्कुल जो है खुलासा होना चाहिए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह जरूर हमें बताया है मेरे भाइयों कि बीमारी वाले और खासतौर से इस तरह की जो वबाई बीमारियां हैं इनसे दूर रहा करो, इनसे बचा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी के बहुत सारे असबाब रखे हैं। कहीं गंदा पानी की वजह से किसी को बीमारी हो जाती है, कहीं अल्लाह ताला ने खाने में जो है क्या नाम है कोई पॉइजन और जहर पैदा कर देता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला किसी भीड़ में रहने की वजह से पैदा कर देता है, ये असबाब है बीमारी के। तो जब उनके साथ रहोगे और तुमको बीमारी हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना सोचो कि देखो बीमारी लग जाती है और जो है शरीयत में आया है कि बीमारी नहीं लगती है, तुम उस जमाने जाहिलियत के अकीदे का शिकार ना हो जाओ। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मिनल मजदूमी तफकम फिराक मिनल असद या कमा तफिरु मिनल असद, कोढ़ की बीमारी वाले से ऐसे ही भागो जैसे तुम शेर से भागते हो। लायुरजु मुबर्रिदुन अला मुसाहि, किसी बीमार ऊंट को सेहतमंद ऊंट के साथ न रखा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजा वकात ताउन बिअर्दिन फला तदखुलूहा वइजा अंतुम फीहा फला तखरुजु मिनहा। अल्लाह जब ताऊन की बीमारी किसी शहर में फैल जाए तो उस शहर में मत जाओ, और अगर वहां पर हो तो वहां से जो है निकलो मत। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने असबाब से बचने के लिए, अपने आप को हिलाकत में डालने से बचाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह तौजीह जरूर फरमाई है मेरे भाइयों, और किसका इहतिमाम करना चाहिए। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने हमें और आपको बीमारी के वसाइल और बीमारी के असबाब से दूर रहने के लिए कहा है। और बीमारी का सबसे अहम सबब मेरे भाइयों आप जानते हो क्या है, और हम सभी जानते हैं, आज जो है ये डॉक्टरों के आ रहे हैं
तो लोग कह रहे हैं अरे बहुत बड़े बड़े हैं तजिया करके और ये बताते हैं कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने बताया सबसे बड़ी बीमारी की जो वजह हुआ करती है और सबसे बड़ी वजह जो बीमारी से हम दूर रह सकते हैं, गंदगी ये बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है मेरे भाई। गंदगी सबसे बड़ी जड़ है बीमारी की अल्लाह की बंदो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लम ने बाकी सफाई को आधा ईमान करार दिया है। अतहूर निस्फुल ईमान, पाकी सफाई ये आधा ईमान है मेरे भाइयों। आज कहा जाता है कि आप जो है क्या नाम है हाथों को बार बार धोया कीजिए, आप जो है फवक्तन फवक्तन हाथ को साबुन से धोया कीजिए। आज आप कह रहे हो हाथों को धोया कीजिए, हमारे हर अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था। ये अलग मसला है कि हम ना माने हम अमल ना करें। नबी सल्लम ने कहा था कि हमेशा बावजू रहा करो, हमेशा बावजू रहा करो। जब बावजू रहोगे आप हाथों को धुलोगे, आप चेहरे को धुलोगे, आप पैर को धुलोगे, जब भी आपका वजू टूट गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है मेरे भाइयों कि आप वजू कर लिया करो। अब अगर यही बात डॉक्टर कहे तो हम तो हमको बड़ी पते की बात लगे, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। और वही बात अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा है तो हमको उसका पता ही नहीं है, हमको उसका इल्म ही नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने इसकी तरगीब नहीं दिलाई है। एक मोमिन को बेवजू नहीं रहना चाहिए मेरे भाइयों। नबी सुन तरगीब दिलाई है। इब्ने माजा की रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला युहाफिज़ु अलल वुदू इल्ला मोमिन, वजू की हिफाजत मोमिन ही कर सकता है। क्या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस वाकये को बयान करके हमें और आपको तरगीब नहीं दिलाया है? हाथ धुलने पर, मुंह धुलने पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की सुन्नतें हमारे सामने नहीं है? नबी अलैहि सलाम कहते हैं मुझे जन्नत की सैर कराई गई, मैंने जन्नत के आगे बिलाल हबशी के चलने की आवाज सुनी। बिलाल हबशी जो चलते थे उनके कदम की जो आहट होती थी दुनिया में वो नबी ने जन्नत में सुनी। और जब आप सल्लम आए और बिलाल हबशी से मुलाकात हुई तो कहा बिलाल तुम क्या काम करते हो, तुम कौन सा अमल अंजाम देते हो कि तुम्हारे चलने की आवाज मैंने जन्नत में अपने आगे सुनी है? बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही काम करता हूं। कौन सा काम? जब भी वजू टूटा फौरन वजू कर लेता हूं। ये किस लिए है मेरे भाई? क्यों बयान किया गया? हमें तरगीब दिलाने के लिए वजू करने। जब भी वजू टूटा वजू कर लेता हूं और जब भी वजू करता हूं तो अल्लाह के लिए दो रकात नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिहिमा, इन्हीं दो अमल की वजह से जो है क्या नाम है फजीलत हासिल हुई। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया बंदे मोमिन जब वजू करता है और वजू करके करता है अपने हथेलियों को धुलता है, अपने चेहरे को धुलता है, अपने हाथ को धुलता है, अपने आजा को धुलता है तो उसके आजा से उसके गुनाह झड़ जाते हैं, पानी के कतरे के साथ गिर जाते हैं। और जब वजू करके दुआ करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु अल्लाहुम्मा इज्अलनी मिनत तव्वाबीन व इज्अलनी मिनत मुततहिरीन, क्या होता है, क्या मिलता है मेरे भाइयों? इतनी बड़ी तरकीब। कहा जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। किस लिए हदीस है मेरे भाई? इसीलिए है कि हम हमेशा अपने हाथों को धुलते रहे। जब हाथों को धुलते रहेंगे हम बावजू रहेंगे तो अल्लाह के बंदो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है आप तो जो है क्या नाम है कपड़ा रख लिया करें मुंह पर, हाथ रख लिया करें मुंह पर। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मैंने पिछले खुतबे में नहीं बताई, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अल्लाह के बंदो। अरे इन्होंने चोरी किया है, चोरी किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ये अपना तजर्बा और अपने डॉक्टरी जो है क्या नाम है उसका तजर्बा बता करके लोगों के सामने पेश करते हैं। वल्लाह ये जितने साइंसदान हैं इनका मेन मरकज कुरान है, इनका मेन मरकज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सीरत है और सुन्नतें और हदीसें हैं मेरे भाइयों। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताई गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींकते थे तो अपना कपड़ा रूमाल दस्ती अपने मुंह पर रख लिया करते थे? बहुत सी नई बात इन्होंने बताई मेरे भाई। लेकिन आदमी इतना घबरा जाए, इतना घबरा जाए, इतना घबरा जाए कि सुभान अल्लाह अपने दीन को छोड़ने लगे, ये मेरे समझ में नहीं आती है, ये मेरे समझ में नहीं आती है। जुमा नमाज न कायम करो, जमातें बंद कर दो, अब अजान नहीं होगी मस्जिदों में, नमाजें बंद कर दो मेरे भाइयों।
मुसाफा ना करो। अरे लाख कहे कोई आदमी कि मुसाफा ना करो, हम तो आपसे कहेंगे कि कोरोना वायरस से बचना है तो मुसलमानों से ज्यादा मुसाफा क्या करो, हम ये आपसे कहेंगे मेरे भाइयों। ये ईमान वाले इस तरह की बात करते हैं, अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है मुसलमान से खूब मुसाफा किया करो। ये सिर को कुफ्र में हमें डालना चाहते हैं, और ये आजकल कहा जाता है कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मुसाफा ना करो और ये अंदाज इख्तियार करो। नहीं मुसलमानों, कोरोना वायरस से बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के बंदो जितना सुन्नतों के करीब आओगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने मुसाफा के बारे में क्या बताया, क्या बताया है? जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मिलता है और मुसाफा करता है तो वो उस जगह से जुदा बाद में होते हैं, पहले अल्लाह उन दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। मिले आपने मुसाफा किया, अस्सलाम वालेकुम, तुल्ला मुसाफा किया, अब कुछ बातें चल रही है, हाल चाल क्या है, किस बातें चल रही है, अभी आप अलग नहीं हुए, अल्लाह ने आप दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब कोई मुसलमान से मिलते थे तो मुसाफा करते थे। सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम अपना हाथ पहले कभी नहीं खींचते थे, इन्हें नबी सल्लम मुसाफा किए रहते थे, मिलाए रहते थे, सामने वाला पहले हाथ खींचा करता था। ये मुसाफा की सुन्नत और फजीलत है मेरे भाइयों। अल्लाह रहम फरमाए, जो है कितने ऐसे ममालिक में मेरे भाइयों जुमा के ना ऐलान करने का, न कायम करने का ऐलान किया गया, जमातों का ना ऐलान करने का काम किया गया। ये क्या, और कहा जाता है बारिशों की है तो जमात से नमाज ना पढ़ना मुफ्त है। हम एक तरफ तो कहते हैं इबादात में कयास जायज नहीं है, इबादात में कयास जायज नहीं है, बारिश हो तेज तो अपने घर में नमाज पढ़ लो इसका ऐलान किया जा सकता है, दो नमाजों को जमा कर लो इसका ऐलान किया जा सकता है, ये मंसूस है और इबादात में कयास जायज नहीं है। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे कि अब तो हम तारीख के ऐसे दौर में पहुंचे हैं, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है कि अब उमरा ही बंद कर दिया गया है। ये मामला यहां तक पहुंच गया कि उमरा ही बंद कर दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की दो तीन दिन से कि तलाशों की तारीख में कभी उमरा बंद हुआ है, वल्लाह मुझे नहीं मिला, वल्लाह मुझे नहीं मिला। 1400 साल तारीख की तो मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूं, और मैं आपको यह कह सकता हूं मेरे भाइयों कि उससे पहले भी जब से खाने काबा बना है अल्लाह के बंदो उमरा नहीं बंद किया गया है, याद रखना मेरे भाइयों। सिर्फ एक मौके पर मुअर्रखीन ने लिखा है, सन 317 हिजरी में जब करामता ने खाने काबा पर हमला किया था और उन्होंने खाने काबा के दरवाजों को तोड़ा था, हजरे अस्वद को उखाड़ लिया था और लेकर के चले गए थे, और 22 साल तक 3349 हिजरी में वापस किया, 317 में हमला किया और 349 हिजरी में, यानी 22 साल तक हजरे अस्वद खाने काबा में नहीं था। उसी एक हादसे का तस्करा उलमा ने किया है कि उस मौके पर कई साल तक जो है उमरा वगैरह बंद था, किसी ने 10 साल लिखा है, किसी ने और कुछ कहा है, बहरहाल वही एक मामला समझ में आ रहा है और तारीख में मिल रहा है कि उस मौके पर उमरा बंद हो गया था, मगर उमरा मुसलमानों ने नहीं बंद किया था, जालिमों ने बंद किया था, दुश्मनों ने बंद किया था, मुसलमानों ने नहीं बंद किया था। इतना खौफ छा गया कि उमरा बंद कर दिया जाए। खैर आर ये एक अलग मसला है उलमा के बीच में कि कहां तक उसका जवाब है नहीं, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इतना खौफ क्यों मेरे भाइयों, इतना डर क्यों? एक तरफ इस अकीदे का इजहार है अल्लाह के बंदो कि हमें वही लाहिक हो सकता है, वही पहुंच सकता है जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया है। जितना जिंदगी लिखी है उतना जियोगे मेरे भाइयों, एक मिनट ना आगे जियोगे ना एक मिनट पीछे जियोगे। फिर ये क्या सारी चीजें हो रही है, आज खाने काबा को देख लो तो रोना आ रहा है, रोना आ रहा है, उसकी रौनक खत्म हो गई खाने काबा की, रौनक चहल पहल जो खाने काबा में थी वो चली गई मेरे भाई। इसके अलावा करामता के वाकये के अलावा मुझे कोई वाकया नहीं मिला
بہت سارے اہل علم یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اگر کوئی میری رہنمائی کرے کہ تاریخ کے کسی دور میں کسی حاکم نے کسی بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ عمرہ بند کیا جائے گا کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو میں شکرگزار رہوں گا اور انشاءاللہ اگلے منبر اگلے خطبہ میں اس کا اعلان کروں گا، لیکن میرے بھائیوں کہیں نہیں ملا مجھے. ہاں کچھ جزوی طور سے عمرہ بند ہوا ہے، جیسے میں نے کچھ واقعات دیکھا کہ مصر کے کچھ لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے کسی سال عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ فتنہ اور فساد ہو گیا تھا، تو کسی ملک والے نہیں آ پائے یا کوئی گروپ نہیں آ پایا یا کسی اور ملک والے نہیں آ پائے، لیکن عمرہ اور حج کنٹینیو چلتا رہا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی. رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے بعد حج آ رہا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے کم سے کم ہمارے حجاج کرام حج تو کر لیں، اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں سے اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ارے اللہ کے بندو، میں اپنے سعودی حکومت کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ تم اتنا گھبراؤ مت اس بھیڑ سے، تم نے جو تھیٹر کھولے تھیٹر اس بھیڑ کو بند کرو، اس سے کورونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس سے پھیلے گا، عمرہ سے نہیں پھیلے گا. تم نے جو لڑکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیے ہیں، لڑکیوں کو بے حجاب کیے ہیں، اس کو بند کرو، اس سے کورونا وائرس پھیلے گا، اور اس کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل سکتا ہے تمہارے ملک میں. اللہ حرمین شریفین کی فاطمہ، جو بے حیائی، جو بے شرمی، اور جو الحمدللہ جو ہے کیا نام ہے ماحول 30 اور 10 سال پہلے سعودیہ میں نظر نہیں آ رہا تھا، آج دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے جو 5 سال مدینہ میں پڑھا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نور سے بھر دے قبر کو. ملک فہد کی، ملک عبداللہ کی، کوئی خاتون کیا مجال ہے کہ سعودیہ میں، ارے غیر مسلم خواتین بھی برقع ڈال کر کے چلا کرتی تھی میرے بھائیوں، غیر مسلم خواتین برقع ڈال کر کے چلا کرتی تھی، آج ہماری مائیں اور بہنیں برقع تو چھوڑو نیم اوریا چلا کرتی ہے. اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے کورونا وائرس کے ذریعہ ہے. یہ تھیٹر، یہ فلم کے اڈے، یہ فحاشی کے اڈے، اس پر پابندی کی ضرورت ہے کورونا وائرس کے ذریعہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی عمرہ والے کبھی کورونا وائرس سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کے وصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ دین پر چاہے ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم بیماری کا علاج ہی نہیں کراتے، ہم نہیں کراتے علاج، اس لیے کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس لیے نہیں کراتے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے. اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. مجھے نہیں معلوم میں کورونا وائرس سے محفوظ رہوں گا کہ نہیں محفوظ رہوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے جس چیز سے حفاظت کے لیے کہا ہے، جس بیماری کا علاج کرانے کے لیے کہا ہے، رب العزت کے حکم کی وجہ سے علاج کراتے ہیں، اس مصیبت سے، اس بیماری کے بچنا یہ ہمارے علم میں نہیں، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو ہمیں بیماری کا علاج کرانا ہے، اور جب رب العزت نے ایمان جو ہے زندگی ختم کر دی اور آخری دن ہمارا لکھ دیا، سبحان اللہ، کوشش تو یہی ہونی چاہیے، دعا تو یہی ہونی چاہیے، تڑپ تو یہی ہونی چاہیے، تمنا تو یہی ہونا چاہیے، چاہے کورونا وائرس سے مرے، چاہے کسی کے پتھر سے مرے، چاہے کسی کے جو ہے بم سے مرے، چاہے کسی کے جو ہے کیا نام ہے فائرنگ سے مرے، اور چاہے کسی کے تلوار سے مرے، اور چاہے گھر پر اپنے بستر پر مرے، رب العزت جب بھی اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے، یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے میرے بھائیوں، یہی ہے اور ہمارے حق کی طرف ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو حسرت سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ عمرہ بند کر دیا گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کس موڑ پر کھڑے ہیں کہ اللہ کی آزمائش یہاں پہنچ گئی ہے کہ جو ہے عمرہ بند ہو جائے، کتنی بڑی آزمائش میں، اور کتنا زیادہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے.
اور اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے اخلاق کی، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی کتنی ضرورت ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں آپ کو یہ معلوم ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے، اچھے اعمال کے راستے کھولتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو رد کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، تو آگے ہمیں ہمارے لیے اچھے اعمال کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. لوگ محسوس نہ کریں، محسوس نہ کریں، لیکن آگے آنے والی تاریخ، آگے آنے والی تاریخ اس کو لکھے گی. 1400 سال میں کبھی عمرہ نہیں بند ہوا، فلاں تاریخ کو فلاں کی حکومت میں، فلاں کی جو ہے ریاست میں عمرہ اتنے دنوں تک بند رہا. آج بھی تاریخ لکھی جائے گی میرے بھائیوں، تاریخ بن رہی ہے اللہ کے بندوں. اس لیے بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ہیں. ہم اپنی اصلاح کر لیں، جہاں جس حالت میں، جہاں جس حیثیت میں، جہاں جس مقام پر جو آدمی ہے، وہ آدمی اسی کی جو ہے ایک طرف کوشش کرے اور اصلاح کرے. آپ نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی، آپ نماز پڑھنے لگو. میرے بھائی آپ نے کسی کا حق مار کے رکھا ہے، اللہ کے بندے اس کا حق دے دو. میری مائیں اور بہنیں یہاں پر رہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، رشتے داروں کے ساتھ معاملات، شوہروں کے ساتھ معاملات، اپنی اولاد کے تعلق سے ان کی ذمہ داریاں اگر نہیں پورا کر رہی ہیں، میری مائیں اور بہنیں اس کی طرف توجہ دے دیں. ہمارے جو بھائی عقیدے میں کورونا وائرس کے شکار ہیں، کورونا وائرس لگا ہوا ہے عقیدے میں، ان کے عقیدے میں، وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. ہمارے جو بھائی منہج میں کورونا وائرس کے شکار ہیں، ان کے منہج میں لگا ہوا ہے، ان کے طریقے عمل میں لگا ہوا ہے، وہ وہاں پر اس کورونا وائرس کو ہرانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں. عقیدے کی اصلاح ہو، عمل کی اصلاح ہو، منہج کی اصلاح ہو، اخلاقیات کی اصلاح ہو، معاملات کی اصلاح ہو، تعلقات کی اصلاح ہو، دین لین دین کی اصلاح ہو، حقوق کی اصلاح ہو، تب میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم تیرے اسماء حسنا اور صفات اولیاء کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے. اے اللہ آج اس ماحول میں اور اس ملک میں کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی ہماری مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے زخمی آج ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں، اور کتنے ہمارے بھائی اپنی جان گنوا چکے ہیں. اے اللہ اپنے رحم کا نزول فرما، اے اللہ ہم پر اپنے رحم کا نزول فرما. اے اللہ ظالموں کو ان کے کیسرے کردار تک پہنچا دے. اے اللہ ظالموں کو جلد سے ہمیں بچا دے. اور جو ہمارے بھائی مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ انہیں شہادت کی مدد فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، انہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جو ہمارے بھائی ہاسپٹل میں ہیں انہیں تو شفا بہتر فرما. جو پریشان حال ہم کی پریشانی کو دور کر دے، اور ہر ایک کے لیے تو کافی اور شافی ہو جا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.